हाय गाइस, दिस इज कैप्टन भावेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द स्ट्रगलर। आज हम बात करेंगे वन ऑफ द बेस्ट थिएटर के बारे में। जी हाँ, उसका नाम है श्रीराम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट, जो कि दिल्ली में बेस्ड है। और आज मैं आपको पूरी अपडेट दूंगा कि अगर आपको श्रीराम सेंटर में एडमिशन लेना है तो क्या प्रोसेस है एडमिशन का, कब एडमिशन होता है। तो इसलिए पूरे वीडियो में बने रहिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है आप लोग के लिए। आई होप आप लोग बहुत कुछ सीखोगे आज के इस वीडियो से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानिए बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हर एक बात, रोल, कैमरा, एक्शन। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले श्रीराम सेंटर के फुल नेम से। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही नाम ले लिया था, इसका नाम है श्रीराम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स। मतलब यहाँ पे आर्ट्स को परफॉर्म किया जाता है, जितने भी कल्चर हैं एक्टिंग के वो यहाँ पे परफॉर्म होते हैं। और इसकी लोकेशन जो कि दिल्ली में ही है, मंडी हाउस। आप लोग मंडी हाउस का नाम तो बहुत बार सुने होगा, अगर आप एक्टिंग से रिलेट करते हो या थिएटर से रिलेशन रखे हो तो आपने मंडी हाउस का नाम जरूर सुना होगा। मंडी हाउस वो एक जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा थिएटर्स ग्रुप है, क्योंकि मंडी हाउस में ही NSDA मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, उसी के जस्ट सामने अपोजिट में ही मतलब श्रीराम सेंटर है। क्योंकि बहुत लोग का एडमिशन NSDA में नहीं हो पाता है तो वो लोग एडमिशन ले लेते हैं श्रीराम सेंटर में। हाँ, बट NSDA गवर्नमेंट कॉलेज है और श्रीराम सेंटर प्राइवेट है, फीस का जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। बट लेकिन बहुत सारे आप एक्टर्स हैं जो श्रीराम सेंटर से पास आउट है। अगर मैं एक नाम लेना चाहूं तो उसमें से राजकुमार राव भी श्रीराम सेंटर से ही पास आउट है। तो चलिए अब मैं थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लूं श्रीराम सेंटर के बारे में। ये ग्रुप 1950 में बना था और इसको डिजाइन शिवनाथ प्रसाद द्वारा किया गया था। ओके दोस्तों, और ये तब भी इंडिपेंडेंट कल्चर थिएटर था और आज भी इंडिपेंडेंट कल्चर थिएटर है। और यहाँ पे बहुत सारे ऑडिटोरियम है, बहुत सारे का मतलब 2-3 ऑडिटोरियम, और 300 से ज्यादा लोग एक साथ इस ऑडिटोरियम में बैठ सकते हैं। ये एक ऐसा ऑडिटोरियम है जहां पे वीकली आप कह सकते हो अल्टरनेट डेज पे अलग अलग प्रोडक्शन होते रहते हैं, मतलब प्रोडक्शन मतलब थिएटर आपको लगते रहते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ पिक्चर कर देता हूं श्रीराम सेंटर की, किस तरह आपको श्रीराम सेंटर दिखता है। आई होप पहले आप लोग वो देख लो, जैसे कभी अगर आप भविष्य में अगर श्रीराम सेंटर जाओ तो आपको एक बार वो झलक तुरंत याद आ जाए, अच्छा कि हाँ यार ये है। और बहुत ही यूनिक तरीके से इसकी बिल्डिंग बनाई गई है, आई होप आप लोग को देख के बहुत अच्छी लगे। स्क्रीन पे मैं बिल्डिंग का शो कर रहा हूं, आप देख सकते हो नीचे थोड़ी पतली, ऊपर ऐसा गोल सा बनाया गया, इस बिल्डिंग का एक अलग इमेज निकल के आ जाता है। और इसी तरह अगर आप ऑडिटोरियम की पिक्चर्स देखो, अंदर है और बहुत सारे नाटक होते रहते हैं, उसकी भी पिक्चर मैं आपको शो कर रहा हूं। क्लासरूम की पिक्चर मैं आपको शो कर रहा हूँ, जिस तरह अगर आप कभी एडमिशन लो इसमें तो आप लोग को अच्छा लगेगा, हाँ यार तो इसी क्लास में बैठ के मैं एक दिन पढ़ूंगा। ये इमेजिनेशन आप लोग अभी करो तो आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। चलिए अब हम बात करते हैं इनके एलुमिनाई की, मतलब श्रीराम सेंटर से कितने लोग पढ़े। वैसे तो बहुत लोग इस इंस्टीट्यूट से पढ़े, बट मैं गिने चुने नाम आपको एक बार बता देना चाहता हूँ। इस इंस्टीट्यूट से मुकेश छाबरा पढ़े हुए हैं, मतलब आप मुकेश छाबरा सर को तो अच्छे से जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो मैंने भी उनके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग जरूर जाके उनको एक बार देख लेना, उनके कास्टिंग के प्रोसेस को समझ लेना कि वो कैसी कास्टिंग करते हैं, बहुत हेल्प मिलेगी आप लोगों का इस। ओके, और जतिन शर्मा भी यहीं से पढ़े होंगे। जतिन शर्मा को आप देखो तो आप लोग ने सेक्रेट गेम्स देखी होगी, उसमें थे जो, और अगर आप भी 83 देखे हो उसमें भी जतिन शर्मा है। ओके दोस्तों, और साथ ही साथ नरेंद्र झा और राजकुमार राव भी इसी इंस्टीट्यूट के पार्ट हैं, समझ लो कि मतलब इन्होंने 2 साल यहाँ पे अपना इन्वेस्ट किया, उसके बाद जाके ये मुंबई स्ट्रगल किए हैं। तो मतलब पूरी परिपक्व होके ये मुंबई गए थे अपनी कला को दिखाने के लिए। तो इसलिए अगर आप ये एक्टिंग करना चाहते हो और एक इंटरेस्टेड हो आपको थिएटर करने में, तो श्रीराम सेंटर बेस्ट ऑप्शन है। ओके, और इसमें तमाम कोर्सेज भी हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 साल के ही कोर्स हैं, यहाँ पे आपको 2 महीने के भी कोर्स मिलेंगे, इस तरीके के अलग अलग टाइप के आपको कोर्स यहाँ पे मिलेंगे। ओके, अभी मैं आपको आगे नेक्स्ट प्रोसेस में बताता हूँ कि कोर्स क्या क्या है यहाँ। सबसे पहले मैं इवेंट्स की बात कर लूँ, यहाँ पे इवेंट्स भी बहुत सारे होते रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होता है वो होता है कनेक्शन का, बहुत सारे एक्टर्स डायरेक्टर्स आते हैं, क्लासेस लेते हैं, मास्टर क्लास जिसे कह सकते हो वो यहाँ पे होती रहती है। मंथली या 15 डेज के अंतराल पे आपको एक बार कोई ना कोई आके जरूर कोई ऐसी चीज सिखा जाएगा जो आपके भविष्य में बहुत काम आएगी, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है उनके पास, वो कर चुके हैं, उन्होंने वो गलती करके उस मुकाम पे पहुंचे, तो वो ये चाहते होंगे कि वो आप गलती ना करो, इसलिए उसकी चीज वो आपको पहले ही समझा देते हैं। तो बहुत सारे मास्टर क्लास यहाँ पे होते रहते हैं, पहली चीज तो ये होती है इनके इवेंट्स में। दूसरा जो इवेंट होता है वो स्वामी हरिदास करके एक इवेंट है, और तीसरा इवेंट भी श्रीराम कवि सम्मेलन होता है, और जो फोर्थ इवेंट है वो है समर थिएटर ग्रुप। ओके, जैसे गर्मियों की जब छुट्टी पड़ती है तो बहुत सारे बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि उनकी छुट्टी हो जाती है स्कूल की कॉलेजेस की, तो वो सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं तो अपना टाइम स्पेंड करूं थिएटर में, तो जिनका इंटरेस्ट होता है तो वो थिएटर करने के लिए एक अलग से ग्रुप बनता है, 2 महीने की जो वर्कशॉप होती होगी उनकी,
वो होती है। तो इस तरीके से तमाम इवेंट्स होते रहते हैं श्रीराम सेंटर्स में, और आप कभी भी जाओ आपको वहाँ का माहौल ही एकदम अलग लगेगा। कि मैं खुद कई बार जा चुका हूँ तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। मैं सुबह निकलता था, मैं जब मैं दिल्ली में थिएटर करता तो मैं सुबह निकलता था, मेरी क्लासेस भले 2 बजे के बाद से स्टार्ट होती, 2 से 6 होती थी, बट मैं 10 बजे 10:30 बजे पहुँच जाता था मंडी हाउस और वहाँ पर बैठ के बस देखता था। बहुत अच्छा लगता था वहाँ का जो माहौल होता है ना थिएटर का, 5 लोग आपस में अलग थिएटर कर रहे हैं, मतलब अलग कोई नाटक कर रहे हैं, 10 लोग अलग एक ग्रुप बना के रोड पर ही, सोच लो रोड पर ही लगे हुए हैं, कोई नुक्कड़ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब अगर मंडी हाउस आप लोग को जाने का मौका मिले तो जरूर जाना, वहां का माहौल देखने के बाद आपके अंदर से खुद ही इतना मन करेगा कि हाँ मैं ज्वाइन कर लूं कैसे भी कर। तो चलिए अब बात करते हैं कोर्सेज के बारे में, एजुकेशंस के बारे में कि कौन कौन से यहां पे कोर्सेज। सबसे पहले तो थिएटर प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रंस है जो कि समर में होता है। ओके दोस्तों, इसकी एक अलग ही टाइम रहता है, जैसे ये समर में ही स्टार्ट होगा, जब जून जुलाई का टाइम आएगा, मई जून का टाइम आएगा तभी ये स्टार्ट होगा। और इसकी जो फीस है वो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ, और जो इसकी फीस होगी वो आपको मैं एक नंबर दूंगा लास्ट में कॉन्टैक्ट में, आप वहाँ पे कॉल करके कंफर्म कर सकते हो कि क्या फीस है, बट एग्जैक्ट फीस नहीं, बट लमसम जो फीस है वो 50,000 रुपीज़ है इसकी। ओके, 2 महीने का कोर्स होता है। और जो दूसरा प्रोग्राम है वो थिएटर एक्टिंग कोर्स है, फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों है। इसकी जो फीस है, ये 2 साल का बेसिकली कोर्स है, सबसे पहले ये समझ लें, 2 साल में आपको बहुत कुछ सिखाई जाएगी। क्या चीज सिखाई जाएगी मैं अभी वो आपको आगे बताता हूं। 2 साल का कोर्स है, इसकी जो फीस रहेगी वो 1,88,000 के आसपास रहेगी। ओके, आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी जमा कर सकते हो, 6-6 महीने के 4 इंस्टॉलमेंट में आप जमा कर सकते हो, और 1,80,000-88,000 के आसपास रहेगी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट जो कोर्स है वो थिएटर डायरेक्टर ट्रेनिंग कोर्स है, और इसकी जो फीस है ये 1,50,000 के आसपास होगी। ठीक, आप लोग एक बार कंफर्म क्रॉस चेक करने के लिए उस नंबर पे जरूर कॉल करना जो भी आगे मैं आप लोग को दूंगा। नेक्स्ट कोर्स की ओर हम मूव करते हैं जिसका नाम है वीकेंड थिएटर ट्रेनिंग वर्कशॉप। इसकी भी फीस आप लोग को अनुमान 90,000 रुपीज पड़ेगी, और वीकेंड में ये कोर्स चलेगा, मतलब सैटरडे संडे या फ्राइडे सैटरडे संडे, ये 3 दिन कोर्स चलता है। जैसे जो लोग ऑफिस करते हैं या जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए ये कोर्स है। आप लोग आइए, वीकेंड में सिर्फ फ्री रहते हैं तो वीकेंड में ये कोर्स चलेगा, सुबह 10 से 4, 6-7 घंटे का कोर्स रहेगा जिसमें ये आप लोग को वो पूरी चीज कवर करेंगे जो पूरे एक वीक में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट कोर्स की ओर मूव करते हैं जिसका नाम है वॉइस एंड स्पीच प्रोग्राम ट्रेनिंग। इसकी भी फीस मैं आपको बता दूं 50,000 के आसपास रहेगी, और नेक्स्ट कोर्स 2 मंथ वर्कशॉप, इसकी भी फीस आपको 50,000 के आसपास पड़ेगी। ओके, ये दोनों जो कोर्स है ये बीच बीच में होते रहते हैं। जैसे 2 महीने का कोर्स स्टार्ट हुआ है जैन से, तो जैन से फेब तक ये कोर्स चलेगा, उसके बाद फिर मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। ये आपको रेगुलरली आपको मिलता रहेगा, सिर्फ आपको कॉन्टेक्ट करने की देरी है। अगर सीट अवेलेबल रहेगी तो वो इसी कोर्स में आपको एडजस्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, और इस हर कोर्स के बाद एक प्रोडक्शन होगा, जिसे कह सकते हो आप नाटक। हर प्रोडक्शन के बाद आपको एक नाटक कराया जाएगा, उस नाटक कराने के बाद आप लोग को परफॉर्म करने का मौका मिलेगा श्रीराम सेंटर में। सोच लो, इतने बड़े ऑडिटोरियम आप लोग को प्रोग्राम करने का मौका मिल जाएगा। तो ये इनके इतने कोर्सेज थे। अब मैं बात करता हूँ इनके प्रोसेस की कि एडमिशन कैसे लेना है। आगे मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, मेल आईडी दूंगा, उस पर आपको बात करनी है, अपना एडमिशन लेना है। ओके, बहुत कुछ ऐसा फॉर्म नहीं फिल करना है, कुछ ऐसी बड़ी चीज़ नहीं कि आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा उसके बाद ही जाके आपका एडमिशन होगा। सिर्फ आपको एक कॉल करना है, वो आपको डिटेल्स बता देंगे कि एक फॉर्म है, आपको उनके ऑफिस में ही जाके फिल करना पड़ेगा, या वो आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में वो फॉर्म दे देंगे जिसको आप अप्लाई करके उनको वापस सेंड कर दो, आपका एडमिशन हो जाएगा। ओके दोस्तों, बहुत कुछ ऐसा बहुत ज्यादा उसमें आपको फोटो या सर्टिफिकेट्स आपको कुछ नहीं लगाना पड़ेगा। हाँ, पर जो इस समय माहौल चल रहा है उस समय आपको कोविड की दोनों डोज आपको होनी चाहिए, उसका ध्यान जरूर देना कि आप कोविड की रिपोर्ट की एक कॉपी कर लो। तो सिंपल सा प्रोसेस होता है, कोई इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं करना रहेगा कि जो आपको दिक्कत होगी। चलिए मूव करते हैं कॉन्टैक्ट सेगमेंट में। कॉन्टैक्ट सेगमेंट में आपको इनका सोशल मीडिया हैंडल दे दे रहा हूँ जहाँ पे आप इनको फॉलो कर सकते हो, फेसबुक और इंस्टाग्राम, और साथ ही साथ मैं आपको इनकी मेल आईडी शो कर दे रहा हूँ जिस पर आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेल करके कि आपको कोई प्रॉब्लम है, या अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो मेल करके भी आप बात कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको इनका व्हाट्सअप नंबर या कॉलिंग नंबर है, इन दोनों पे मैं आपको ये शो कर दे रहा हूँ स्क्रीन पे, आप इस पे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप भी कर सकते हो दोस्तों। ओके, तो ये 3 चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको इनकी वेबसाइट भी शो कर दे रहा हूँ जहाँ पे आप इनको अप्रोच कर सकते हो या विजिट कर सकते हो इनकी वेबसाइट पे जाके। ठीक, तो ये बात हो गई श्रीराम सेंटर के बारे में। और एक चीज़ और, अगर आपको ऑडिशन से रिलेटेड अपडेट चाहिए रहती है रेगुलर, तो मेरे वेबसाइट www.thestruggler.in पर जरूर विजिट करिए, वहाँ पे मैं आपको डेली ऑडिशन अपडेट देता रहता हूँ। ओके दोस्तों, तो ज़रूर जाके एक बार विजिट करना डेली ऑडिशन अपडेट के लिए, और बहुत सारी बॉलीवुड से इन्फॉर्मेशन भी आपको मेरे वेबसाइट पर मिल जाएगी, इसलिए ज़रूर एक बार विजिट करिएगा। ओके दोस्तों,
तो आज की सिर्फ ये छोटी सी एक वीडियो थी श्रीराम सेंटर के बारे में। तो इसमें मैं आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि अगर आपको एडमिशन लेना है श्रीराम सेंटर में तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो सिंपल सा प्रोसेस था, आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। इसी तरह मैं और भी कॉलेज और इंस्टीट्यूट के बारे में आप लोग को शेयर करता रहूंगा, जानकारियां देता रहूंगा। बस साथ में बने रहिए और मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।